हेलो दोस्तों, डाटा सानू के एक नए एपिसोड में मैं मन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हनर का 7S स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो गया है। कुछ अच्छी बात तो इस स्मार्टफोन में है, लेकिन कुछ बुरी बात है भी है जो हनर ने कहीं ना कहीं ये स्मार्टफोन में मिस कर दिया है। जबकि चाइना में जो स्मार्टफोन जो स्पेसिफिकेशन में लॉन्च हुआ था वो इंडिया में लॉन्च होते स्पेसिफिकेशन में थोड़ा बहुत आपको चेंजेस देखने को मिल जाता है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले ये बोलना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये वीडियो का लाइक हम रखते हैं 10 लाइक, अगर 10 लाइक आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और वीडियो को शुरू करते हैं। तो हनर 7S में आपको अच्छी बात की बात करें तो यहाँ पर आपको डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको मीडियाटेक का 6739 वाला आपको चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो एक क्वाडकोर चिपसेट है। 1.5 गीगाहर्ट्ज का क्वाडकोर चिपसेट है। दोस्तों, इसमें आपको 5.45 इंच का आपको HD+ का डिस्प्ले मिलता है, जिसका एक्सपेक्ट रेशियो होने वाला है 18:9 का एक्सपेक्ट रेशियो। 295 PPI के साथ ये स्क्रीन आ रहा है फुल व्यू डिस्प्ले के साथ, मतलब स्क्रीन ठीक ठाक है। 7000 रुपीज़ के अंदर ये स्क्रीन को मैं ठीक ठाक ही मानूंगा। दोस्तों, इसमें आपको 2GB का रैम, 16GB का आपको इंटरनल मेमोरी मिलता है। इसके साथ साथ आपको 256GB तक आप मेमोरी को एक्सपांडेबल भी कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात बन जाता है। दोस्तों, इसमें 3020mAh का बैटरी मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है। दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको एल्यूमिनियम यूनिबॉडी के साथ ये स्मार्टफोन आता है। दोस्तों, रियर में आपको 13MP का f2.2 एपेचर के साथ आपको कैमरा मिलता है, और फ्रंट में आपको 5MP का f2.2 के एपेचर के साथ आपको कैमरा मिलता है। दोस्तों, ये स्मार्टफोन जब चाइना में लॉन्च हुआ था तकरीबन प्राइस उसका रखा गया था 6500 के आसपास उसका प्राइस रखा गया था, और उसमें चाइना में आपको 24MP का आपको फ्रंट में आपको शूटर देखने को मिल जाता था। लेकिन जो इंडिया में लॉन्च होते होते उसका जो सेल्फी कैमरा का जो सेंसर होता है 24MP का आपको 5MP का शूटर देखने को मिलता है, और 2GB और 16GB मॉडल के लिए आपको तकरीबन पे करना पड़ता है 6999 रुपये। हालांकि इस स्मार्टफोन में आपको डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिल जाता है, एल्युमिनियम बॉडी का मिल जाता है, मतलब 7000 रुपीज़ में कोई भी ऐसा स्मार्टफोन नहीं है जो आपको एल्युमिनियम बॉडी के साथ स्मार्टफोन दे रहे हैं, और फोन भी बहुत ही लाइट वेट है, 148 ग्राम के आसपास आ रहा है। लेकिन ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स, EMUI 8.0 के आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इस स्मार्टफोन के ऊपर मेरा ओपिनियन की बात करूँ तो मुझे ये स्मार्टफोन तकरीबन ठीक ठाक लगा, लेकिन प्राइस मुझे 1000 रुपये ज़्यादा लगा। अगर ये स्मार्टफोन 5999 रुपये का लॉन्च होता है इंडिया में तो कहीं ना कहीं ये Xiaomi का Redmi 6S स्मार्टफोन को टक्कर दे सकता था। हालांकि ये स्मार्टफोन में भी आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता, और Redmi का 6S स्मार्टफोन में भी आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों ही स्मार्टफोन में आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं हनर 1000 रुपये ये स्मार्टफोन का थोड़ा ज़्यादा लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, आप हनर का 7S के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल होने वाला है, आप चाहें तो ये स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं अंडर 7000 के रुपये अगर आप चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे देखो एक रेड कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड करता हूँ आप तक इंस्टेंटली एक नोटिफिकेशन चला जाए। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।